हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक साड़ी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और आपको, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और मेरी पहली वीडियो अगर देखी होगी आपने, तो मैंने ये चैनल ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू से के नाम से शुरू किया था। पर मैं उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो अभी बहुत सारे हैं मेरे पास, पर टाइम नहीं मिलता कि मैं उसका रिव्यू को रिकॉर्ड करूँ। और डेली लाइफ के ब्लॉग तो ऐसे ही जो करते रहते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो आज मैं एक साड़ी जो कि मैंने एक साल पहले मंगवाई थी अपने लिए, उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और मैंने अपने ब्लॉग्स में उसको वेयर भी किया है, एक ही बार वेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और वो इस तरह के पैकेट में पैक होके आई थी। और ये उसका पैकेट कहीं मिसिंग है, मुझे मिल नहीं रही अभी। तो ये दूसरा साड़ी का पैकेट है, ये इस तरह के जीपर बैग में पैक होके आई थी। उसके ऊपर फ्लिपकार्ट वालों का रैपर लगा हुआ था, पर मैंने इसे चेंज किया है, इसलिए ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, ये रिव्यू वीडियो है। तो मैंने उसको वेयर किया है, तो चलिए आज मैं उसको आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो ये देखिए, इसमें इस तरह की फ़ोटो आई हुई थी। ये मॉडल ने जिस तरह की साड़ी वेयर की है, सेम टू सेम वैसी साड़ी है ये। तो मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाऊंगी पूरी तरह से। और ये उसी तरह के पैकेट में पैक होके आई हुई थी, तो देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है शिव रंजनी, ये उल्टा दिख रहा है, फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है इसके। शिव रंजनी साड़ी है और इसके साथ ये ब्लाउज का कपड़ा आया है जो कि बंगाली सिल्क है। और आपने देखा ही है कि मॉडल ने इसमें किस तरह का ब्लाउज वेयर किया हुआ है, ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर का। और यहाँ पे नेक पे ये लेस लगे हुए हैं और हाथ वाले भाग पे वर्क हुआ हुआ है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखाती हूँ। और ये मैंने खोल लिया था, एक्चुअली मैं इसको बनाने वाली थी खुद से, इसलिए अभी तक नहीं बना है। और थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे तो बहुत सारे काम होंगे। अभी हमारी उतनी इनकम नहीं है कि उतना ज़्यादा, मतलब कि वो दर्जी वगैरह को दो। और मुझे थोड़ी बहुत आती है सिलाई, तो मैं सोची मैं खुद ही बना लूँगी, लेकिन मैं बना नहीं पाई। मैं वर पूजा में इसको वेयर की थी। देखिए, मैंने इसका अस्तर वगैरह सारा कुछ ले लिया हुआ है। और ये देखिए, ये लगभग इतना बड़ा है। और ये सिर्फ आगे पीछे का भाग के लिए ये कपड़ा है, और ये बाजू के लिए ये अलग से दिया हुआ है। और इसमें देखिए, इसमें वर्क किया हुआ है, पास से देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे लेस लगे हुए हैं ये सामने वाले भाग के लिए, और दो तरह के ये पाइपिंग जैसे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये बाजू का भाग है, यहाँ पे आपको गोल ऐसे कट के जैसा यहाँ पे जो डिजाइन रहता है उस तरह से है इसमें डिजाइन बना हुआ। तो अब मैं साड़ी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये साड़ी है और ये आंचल का भाग है, हाफ एंड हाफ साड़ी है ये। साड़ी कुछ इस तरह से है और ये दोनों साइड में ये लेस लगे हुए हैं। और ये लेस देखिए, ये पूरे, मतलब कि आंचल से लेके पूरे साड़ी में इस तरह की लेस लगी हुई है। नजदीक से देखिए, बहुत ही खूबसूरत लेस है ये आपको जरी वर्क है, और ये आपको ये रेशम के धागे का वर्क है, और उसमें बीच बीच में इसमें स्टोन दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। और ये पूरी साड़ी इस तरह से है, ऊपर में थोड़ा सा लाइट शेड है और नीचे में थोड़ा सा डार्क शेड है। और ये आंचल है पूरा, ये आंचल खत्म हो गया। और यहाँ पे घेरा है, और ये थोड़ा सिल्क टाइप से, ये सिल्क टाइप का कपड़ा है। और ये सिफॉन है, ये ब्लू का है, वो सिफॉन है। तो ये इस तरह से है।
पूरा आंचल खत्म हो गया, पूरे आंचल में उसी तरह लेस लगा हुआ। और ये देखिए ये घेरा शुरू हुआ और यहाँ पे पूरा हाफ साड़ी में वर्क किया हुआ है, बहुत ही बड़ा बड़ा वर्क है, आप देख सकते हैं। यहाँ पास से ये भी ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और पूरे में जड़ी का वर्क है और कहीं कहीं वो स्टोन दिया हुआ है। तो पूरी साड़ी इस तरह से है। और ये लास्ट में इतना एक्स्ट्रा है अंदर में, ये लपेट के वो ऊपर से जो वो जो आगे का चून होता है उस पर ये वर्क है और थोड़ा दूर नहीं है। तो चलिए साड़ी को मैं ऐसे ही वेयर करके दिखलाती हूँ, अच्छे से नहीं वेयर करूँगी क्योंकि आपको अगर साड़ी का वो अच्छा वाला लुक देखना है तो मेरे पीछे में मेरा एक वीडियो है बड़ पूजा वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लेना। ऐसे अभी सिंपल मैं लपेट के दिखा देती हूँ कि साड़ी कैसी दिखती है। तो साड़ी कैसी लगी आपको? तो ये 5.5 मीटर की साड़ी है और ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का है। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप बाय कर सकते हो, पर पता नहीं अभी आपको मिलेगा कि नहीं क्योंकि ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली है और ये साड़ी अमेज़ोन पे भी है और मैंने अमेज़ोन से भी मंगवाई थी ये साड़ी, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये फ्लिपकार्ट पे मुझे 1400 समथिंग की मिली थी और ये अमेज़ोन पे 1900 समथिंग की साड़ी थी। तो मैं मंगवा के मैंने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पर कोई डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने अमेज़ोन वाली साड़ी को रिटर्न कर दिया। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने बहुत पहले ही मंगवाई थी, सिर्फ मैच करने के लिए मंगवाया था मैंने, तो मैंने फ्लिपकार्ट वाली साड़ी को रखा अपने पास। और आप अगर मेरी वीडियो आपने अगर देखी होगी तो मैंने एक बार और फ्लिपकार्ट से ही दो साड़ी मंगवाई थी, दोनों का कॉस्ट में डिफरेंस था, तो मैंने इसलिए मंगवाई कि मैं देखना चाहती थी कि कॉस्ट में डिफरेंस है तो क्वालिटी में डिफरेंस है क्या। तो पर ऐसा कुछ नहीं था, दोनों सेम टू सेम था। तो बस उसमें भी मैंने लो क्वालिटी की साड़ी जो थी उसको रखी थी, तो इसमें भी ये फ्लिपकार्ट वाली लो क्वालिटी की थी, तो मैंने क्वालिटी लो नहीं सॉरी प्राइस लो थी, तो प्राइस जिसकी लो थी मैंने उसको रखी थी। तो इसको भी मैंने फ्लिपकार्ट वाली की प्राइस कम थी तो इसको रखा और अमेज़ोन वाली को वापस कर दिया। पर दोनों ही वेबसाइट पे ये साड़ियाँ अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसे साड़ियाँ थी इस कैटलॉग में कि मुझे और भी दो चार साड़ियाँ पसंद थी पर वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं बार बार चेकआउट करते रहती हूँ पर नहीं है। तो चलिए वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू चैनल था पर अभी ये रेखा लाइफ स्टोरी बन चुका है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा इसका नाम तो वो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं वही रहने दूंगी। और अगर आपको मेरी ऑनलाइन की वीडियोज इसमें नहीं चाहिए तो आप मुझे मना कर देना, मैं इसके लिए कोई और चैनल बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तो बाय बाय।